ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं ओवीसी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर क्या है कि एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कहाँ आप बाइंग कर सकते हो, कहाँ आप सेलिंग कर सकते हो और जो लॉन्ग टर्म वाले वो कहाँ बाइंग करें तो बेहतर ऑप्शन रहेगा, वो सब इस वीडियो में हम देखते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या है कि इंडिकेटर पर एक सीरीज बना रहे, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ लर्निंग करने, कुछ जानना है तो सिंपल सा तरीका, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो अब हम आ चुके हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट के ऊपर। तो जो हाल फिलहाल की प्राइस चल रही है वो चल रही है 1922 रुपए। अभी हम देखते हैं कि कहां हमें लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यानी कि हमारे सपोर्ट कौन से हैं। इन सिंपल, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं तो मोस्टली हम सपोर्ट के पास से बाय करते हैं। तो इस चार्ट में जो हमारा पहला सपोर्ट होगा वो होगा 1900 का लेवल। अभी ये 1900 का लेवल क्यों लिया, तो क्या आप देख रहे हो ये थोड़े 1900 या 1850, इन दोनों के बीच में आपको कहीं भी मिल जाए तो आप बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है उस लेवल पे जाके आप बाय कर लो, आपको वहां से रिवर्सल बाय साइड का कोई मिले तब आपको बाय करना होता है। तो मैं ये ले क्यों रहा हूँ, ये जो 1900 और 1850 का बीच का जो लेवल है उसको मैं बाइंग के लिए क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आप देख लो, एक बार इधर इसने क्या कि रेजिस्टेंस लिया था, बाद में दूसरी बार और ये तीसरी बार। तो ये क्या है कि इधर इसने रेजिस्टेंस लिया था, तो हो सकता है वही रेजिस्टेंस अभी ये सपोर्ट की तरह वर्क करे आगे आने वाले दिनों में। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगाओ। अगर आप इसमें क्या है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, अपने लॉन्ग टर्म के लिए बनाना कोई बाय करना चाहता है तो इसको लगा के रखो, अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है उस लेवल पे। और जो हाल फिलहाल का लेवल है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हाल फिलहाल आप कितने दिनों से देख रहे हो ये एक ही रेंज के, मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट नहीं दे रहा, क्योंकि आप देख रहे हो, देखो ये पूरा, देखो इधर से लेके इधर तक इतनी कोई ज्यादा खास अपसाइड भी नहीं है और डाउन साइड भी नहीं है। और देख रहे हो तो आपको इधर एक क्या है कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन भी दिख रही है। एक बार मैंने ये पॉइंट ज्वाइन किया, एक पॉइंट ज्वाइन किया तो एक बार ब्रेक करके चला गया था, लेकिन उतना भी नीचे नहीं गया तो बाद में ऊपर आ गया। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिन में ये लाइन के आसपास या 1900 का जो लेवल है उसके आसपास से आपको अपसाइड देखने को मिल सकती है इसमें, अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला गया तो। बाद में जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो कौन सा होगा, तो जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा 1790 का लेवल। अब ये लेवल क्यों मैं ले रहा हूँ, क्योंकि ये लेवल देखो आपको इधर एक बार सपोर्ट लेके हुए ऊपर गया था, तो हो सकता है वहां पे भी ये फिर से सपोर्ट लेके अपसाइड जाए। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में बना के रखो, मेरे को अभी ये हाल फिलहाल एक इंपॉर्टेंट लेवल पे दिख रहा है। तो हो सकता है आपको थोड़े टाइम बाद इसमें अपसाइड देखने को मिले या थोड़ा डाउन साइड जाने के बाद अपसाइड देखने को मिले। बाद में अगर ये इसके भी नीचे चला गया तो जो मेरा फाइनल एंड आखिरी सपोर्ट होगा वो होगा 1650 का लेवल। इस लेवल पे भी जा सकता है लेकिन प्रॉपर डाउन साइड मिलने के बाद, लेकिन मेरे को थोड़ा ऐसा क्या है कि हार्ड लगता है कि उस लेवल पे ये चला जाए। लेकिन उस लेवल पे जाने से पहले भी एक और सपोर्ट आता है जो होती है ट्रेंड लाइन। एक मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन बनाई जो ये नीचे रेड वाली है उस पे भी, तो हो सकता है इसको ब्रेक करके नीचे आए और इधर कहीं आपको सपोर्ट लेता हुआ ये दिखे इन फ्यूचर। और आप इसमें देखोगे तो 200 डेज की मूविंग एवरेज भी जो ये क्या है कि ग्रीन कलर की लाइन है उस पे आ रही है। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हो, तो जो वो लेवल है वो है 1890 का लेवल। मतलब आप 1900 ही मानो कि 1900 के लेवल के आसपास से आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर एक क्या है कि शायद हो सके, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मेरे को लगता है कि ऐसा होगा कि हो सके 1900 के लेवल के आसपास से आपको एक अपसाइड देखने को मिले। तो इसको वॉच लिस्ट में बना कर रखो, अगर वहां कोई प्रॉपर अपसाइड का साइन मिलता है आपको तब आप अपनी पोजीशन वहां से बाय साइड के लिए बना सकते हो। तो ये हो गई सपोर्ट की बात, अब हम इसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो इसमें जो मेरा पहला रेजिस्टेंस आएगा, मैं लॉन्ग टर्म की रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में तो ये कितने भी रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर मैं पहला रेजिस्टेंस इसमें मानूं तो जो 2100 का लेवल है वो मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा, ये ग्रीन कलर की लाइन की बात करो ये मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा। बाद में मेरा दूसरा रेजिस्टेंस इसका हाई होगा जो होगा 2190 का, मतलब 2200 ही गिन लो आप, तो 2200 का मेरा दूसरा रेजिस्टेंस होगा। तो ये हो गया हिंदुस्तान यूनिलीवर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात।
अब हम इसमें क्या है कि एक बार RSI और MSCI क्या बता रहा है वो देख लेते। तो जो RSI का हाल फिलहाल का जो लेवल है वो है 35.09, मतलब ये 30 को टच करके ऊपर आ चुका है, तो ये भी अभी हाल फिलहाल ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। बाद में हम क्या है कि MSCI की बात करें तो MSCI में हाल फिलहाल आपको पॉजिटिव क्रॉस ओवर देखने को मिल सकता है आगे आने वाले दिनों में, अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन एक बार पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो जाए, प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए, तब आप इसमें अपनी बाइंग पोजिशन बना सकते हो लॉन्ग टर्म या पोजिशनल के लिए। तो ये हो गया हमारी ओर से हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेकर आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।